नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वन में। रीट 2022 अभ्यर्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी देखें। अगर साथियों आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। तो देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं खबर आई, रीट 23-24 जुलाई को होगी परीक्षा, फिर से शिक्षा बोर्ड ही कराएगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर अभ्यर्थियों के लिए। जयपुर मुख्यमंत्री के बजट भाषण के साथ ही शिक्षा विभाग ने रीट 2022 की तिथियों का ऐलान कर दिया। यह केवल पात्रता परीक्षा होगी जिसका आयोजन 23-24 जुलाई को होगा। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा बदलाव किया गया है। 23 और 24 जुलाई को ये परीक्षा होगी, केवल पात्रता परीक्षा होगी। ये आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने बताया कि अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। लेवल 1 के 15,000 था, लेवल 2 के 31,500 यानी कुल 46,500 नए पदों के लिए उक्त भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेवल 2 की रद्द हुई रीट अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो रीट लेवल 2 की रद्द हुई जो परीक्षा है उसके लिए अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। रीट में न्यूनतम प्राप्त अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः प्रतियोगी परीक्षा होगी। इसके प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी खबर अभ्यर्थियों के लिए, जो रीट 23 और 24 जुलाई को होगा परीक्षा 2022 रीट। और ये एक यहाँ पर एक बड़ी बात बताई गई, आप यहाँ देख सकते हैं, यह केवल पात्रता परीक्षा होगी जिसका आयोजन 23 व 24 जुलाई को होगा। तो आप देख सकते हैं एक पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद एक और यानी आपका टेस्ट होगा। साथियों ये अपडेट थी राजस्थान रीट 2022 को लेकर जो आपके सामने शेयर करनी थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।